बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं साइट पे आया हूँ, यहाँ से गाड़ी लोड करनी है, तो अभी ये काम लगे हुए हैं। जब ये काम ख़त्म करेंगे अपना, तो फिर गाड़ी लोड करेंगे। अभी हाई अप आएगी, उससे लोड करेंगे। ये ब्लॉक लेके जाने हैं, और ये छोटा मोटा सामान है, 7-8 ब्लॉक होंगे, और ये बेंच मशीन है, ये लेके जानी है। और ये चेक करें ओमान के पहाड़। ट्रेलर जो है वो हमारा पेंट हुआ है, अभी नया हो गया। ये रिम भी मैंने पेंट करवाए थे। अभी ये देखने में जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अभी अंदर ये जालियाँ पड़ी हुई हैं, ये जब किसी स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी गुजरती है तब ये बहुत आवाज़ करती हैं, शोर करती हैं। अभी मेरा दिल है इसे बेल्ट लगा दूँ। अभी ये बेल्ट लगा दिए, अभी ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हाईवे पे आ गई है, अभी वो लोड करेगी। वो काम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, काम इनका ख़त्म हो गया है। मैं सो गया था तकरीबन दो घंटे ढाई घंटे मैं सोया हूँ, तो अभी उठा हूँ। उन्होंने बोला है कि गाड़ी लगाओ ताकि लोड करें। ट्रेलर हमारा 5 घंटे के बाद लोड हो गया है। ट्रेलर जो है वो लोड हो गया है, अभी जाके खाली करना है। आज बहुत टाइम इंतज़ार किया है, सुबह 7:30 बजे का आया हूँ, और अभी तकरीबन 3 हो गए हैं। और मौसम चेक करें, माशाल्लाह बादल जो है कैसे पहाड़ों पे आए हैं। आगे से बस आ रही है, अभी इसे रास्ता देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, यहाँ की ज़मीन प्यासी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी पानी हो जाता है, वादियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था कुछ दिन पहले। ऐसा लग रहा है कि इस साइड से कुछ चीज़ जो है ना वो बाहर निकल आई है। ये वाला फ्रेम है, ये तो बंधा हुआ है, लेकिन वैसे लग रहा है बाहर निकला हुआ है, ये नहीं जाएगा कहीं भी। अभी एक मसला हो गया, मेरे पास ये GoPro पड़ा हुआ है, मेरे फ़ोन की चार्जिंग लो हो गई है, 7% है। मेरे जहन में था कि मेरे पास GoPro पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसे निकाला है मैंने देखा है तो उसकी भी चार्जिंग बिल्कुल लो हुई थी। अभी उसे चार्ज लगाया हुआ है, अभी देखते हैं कहां तक व्लॉग बनता है। अभी दूसरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे गाड़ी अनलोड होगी। ये हाईअप में कुछ सामान आया था, ये उतार है, उसके बाद मेरा ट्रेलर जो है वो खाली करेंगे, फिर रूम में जाएंगे। बस इतना ही, आज छोटा सा ट्रिप था, आज वेट बहुत किया है मैंने लोडिंग के लिए, 4 से 5 घंटे वेट किया है लोडिंग के लिए। जो वेट है ना ये बंदे को थका देता है। अभी मोबाइल की चार्जिंग नहीं है, इसका चार्जर जो है वो रूम में पड़ा हुआ है, ये मक्खी पता नहीं किधर से आ गई है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।
बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़।